हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए, अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिफिक्स का, अभी तक हम लोगों ने विद्युतीय क्षेत्र का बहुत सारे चीज़ों के बारे में समझा और उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा अभी हम थोड़ा कुछ और आगे चलते हैं। तो ज़रा सा बच्चों देखिएगा, मान लीजिए बच्चों कि अगर कहीं पर दो चार्ज है, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज है जैसे कि बच्चों स्मॉल क्यू। सपोज किए बच्चों कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस, जैसे कि अगर ये बच्चों आर का है, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस कितने का है? तो भाई अभी ये आर का है, तो इनके बीच में बच्चों फोर्स कैसे लगेगा? तो अभी हम जानते हैं कि के इंटू द कैपिटल क्यू इंटू द बच्चों स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। हाँ कि नहीं बच्चों? के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो अभी हम इसे भाई कैसे लिख सकते हैं देखा जाए। चलिए बच्चे, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एफ बराबर के इंटू द क्यू अपॉन द आर का स्क्वायर इंटू द स्मॉल क्यू। हाँ कि नहीं? ठीक है बच्चों। और के इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर क्या है बच्चों? तो ये आपका बेटा कैपिटल क्यू के कारण से विद्युतीय क्षेत्र है। तो एफ को फिर बच्चों कैसे लिख सकते हैं कि एफ बराबर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द क्यू। हाँ कि नहीं? या तो बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर क्यू इंटू द ई। ठीक है बच्चों। तो जितना विद्युतीय क्षेत्र होगा गुना चार्ज विद्युत भार आपको क्या देगा? तो बच्चों बल देगा। ठीक है बच्चों। हाँ के नहीं? तो एफ बराबर बच्चों क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों, ये आपका कितने का मिलेगा? देखिए तो ई जो है आपका कितने का है? तो भाई के क्यू अपॉन द के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये क्या मिलेगा? अभी ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो एफ बराबर क्या होना चाहिए? तो बच्चों क्यू गुना ई। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अगर मान लीजिए कि एक कूलम का जब अगर कहीं जब अगर चार्ज होगा, हम लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है कि एकम विद्युत भार के ऊपर जो बच्चों बल लगेगा उसको हम लोग क्या बच्चों बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। दो कूलम के ऊपर जो बच्चों चार्ज लगेगा बच्चों वो फिर कितना हो जाएगा? टू इंटू ई हो जाएगा। हाँ कि नहीं बच्चों? वन कूलम के लिए बच्चों जो भी बेटा बल जो लगेगा वो ई का हुआ, तो टू कूलम के लिए कितना हो जाएगा बच्चों? अबे टू इंटू ई हो जाएगा। इसी तरीके से थ्री कूलम के लिए कितना हो जाएगा? तो बच्चों थ्री इंटू ई हो जाएगा। तो उसी तरीके से मान लीजिए चार्ज जब अगर क्यू कूलम का है तो फिर अब बच्चों बल कितने का लगेगा? क्यू इंटू ई। ठीक है। तो एफ को बच्चों कैसे कहा जा सकता है? एफ इट इज इक्वल टू द क्यू इंटू ई। हाँ कि नहीं बच्चों? एफ बराबर क्यू इंटू ई। और ई क्या है बच्चों? जैसे कि भाई अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ठीक है बच्चों। बेटा पूरी बात समझ में आ रही होगी कि एफ बराबर कैसे बच्चों मिला अभी हमें? तो एफ बराबर क्यू इंटू ई। चलिए बच्चों थोड़ा सा भी और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों कुछ चीज़ों को जरा सा देखिएगा। चलिए बच्चों, एक अगला क्वेश्चन जरा सा कुछ चीज़ों को बच्चों समझते हैं। बच्चों मान लीजिए, चलिए बच्चों सपोज कीजिए कि जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बच्चों, क्या है? तो बेटा जैसे कि अगर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों कुछ ऐसा दिखाया जाता है। देखिए चलिए बच्चों, टॉपिक का नाम है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखा जाए तो बच्चों वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सिलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है बच्चों, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि बच्चों मान लीजिए कि कोई भी अगर एक विद्युतीय क्षेत्र में कोई अगर एक ये बच्चों चार्ज रखा होगा, विद्युत भार रखा होगा, तो उसका बच्चों वेग प्रवेग और जो भी है वो बच्चों कितना बनेगा? वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मतलब कि भाई वेग, ठीक है, प्रवेग, ठीक है बच्चों, चार्ज का वेग प्रयोग, वेग प्रवेग, ठीक है बच्चों, विद्युत भार, मतलब कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युतीय क्षेत्र में वेग प्रवेग इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान से बच्चों इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, जैसे कि भाई कैपिटल ई, और चलिए बच्चों मान लेते हैं कि कोई भी अगर एक बार विद्युत भार रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बच्चों,
कोई भी एक चार्ज के कारण से ये अभी हमारा भाई विद्युतीय क्षेत्र बना हुआ है। कोई एक चार्ज होगा जिसके कारण से अभी विद्युतीय क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये जो बच्चों विद्युतीय क्षेत्र है, इसका बच्चों चार्ज क्यू और ये बच्चों मास एम है। कितना है तो बच्चों चार्ज क्यू और मास कितना का है, तो बच्चों 1 m का है, ठीक है बेटा। बच्चों पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जरा ध्यान से बच्चों समझिएगा। अब हमें इसका बच्चों वेग और परवेग निकालना है, इस चार्ज का बच्चों क्या निकालना है, तो बेटा वेग और परवेग निकालना है। तो इसके ऊपर बच्चों बल कितने का लगेगा, तो एफ बराबर बच्चों क्यू इंटू ई ऐसा कुछ बच्चों लगेगा। और बच्चों बल को भी हम लोग कैसा लिख सकते हैं बच्चों, एफ बराबर एम इंटू ए। बल को बच्चों कैसा लिखा जा सकता है, तो एफ बराबर, देखिए बच्चों क्योंकि ये जो चार्ज है ना बेटा मूव करने के लिए फ्री है, तो क्योंकि भाई मूव करने के लिए फ्री है तो अब इसका भाई एक प्रकार का परवेग होगा। तो एफ बच्चों बल कितने के लगेगा, क्यू गुना ई। और एफ बच्चों अगर ई बल लगने के कारण से बच्चों क्या लगे, देखिए अब इसको ऐसा बच्चों बल लगेगा, तो बल लगेगा तो फिर अभी क्या करेगा, अभी बच्चों आगे की दिशा में फिर अभी चलेगा, ओके बच्चों। तो फिर अभी बेटा कैसे लिख सकते हैं कि एम इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू गुना ई, ठीक है बच्चों। अब इसका बच्चों देखिए इसके कारण सा बच्चों परवेग होगा ना इसका, तो बच्चों परवेग कितने का होगा, एम गुना ए। तो ए को बच्चों फिर अभी हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय एम। तो बच्चों क्या बेटा मिला, तो जैसे कि परवेग अभी बच्चों अभी आपका अचल परवेग होगा, इसको हम लोग बच्चों क्या बेटा बता सकते हैं, तो भाई कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अचल प्रवेग, अचल प्रवेग, ठीक है बच्चों, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, हाँ कि नहीं भाई, ठीक है बच्चों। ये अभी मैंने एक्सीलरेशन यानी कि अचल प्रवेग भाई बनेगा। तो भाई मान लेते हैं कि बच्चों कि टी समय के बाद में, ठीक है बच्चों, इसका वेग बच्चों कितने का आएगा, ठीक है बच्चों। तो है ना बच्चों, तो टाइम टी के बाद है ना बच्चों, तो वेलोसिटी इसके ऐसे लिखता हूँ, वेलोसिटी 8 टाइम टी। तो टी समय पर इसका बच्चों वेग कितने का आएगा, तो बच्चों कैसे लिखते हैं, वी बराबर v0 + a × t। बच्चों प्रारंभिक वेग को अभी हम लोगों ने बस शून्य ले लिया, तो बच्चों v कितने का मिलेगा, तो a × t। तो बच्चों a कितने का है, तो बच्चों qe/m × t। तो बच्चों ये आपको बेटा कितने का मिलेगा, आपका वेग v बराबर q×e/t, ठीक है बच्चों, चलेगा बेटा। और अगर आपको भाई गतीय ऊर्जा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी फिर बच्चों कैसे बेटा मिलेगा, तो ½ m × v² तो फिर बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, ½ m। और बच्चों v कितना आ गया, qe/m × t² हाँ कि नहीं। तो अब इसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो बच्चों देखिए आपका बच्चों अभी आंसर आ चुका, ½ m × q p t² / m² तो अब ये चला जाएगा। तो अभी बच्चों क्या बेटा मिलेगा अभी आपको, तो ½ q p t² / m, ये आपको बच्चों क्या बेटा मिलेगा, तो भाई गतीय ऊर्जा, ठीक है बच्चों। कब बेटा मिलेगा, तो टी समय के बाद। अब टी बच्चों 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो जितना भी जो भी मतलब कि जितना भी समय के बाद में आप चाहें तो आप इसका बच्चों गतीय ऊर्जा निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। क्या मिलेगा भाई, गतीय ऊर्जा भी हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई भी अगर एक विद्युत भार है, अगर वो भाई ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो पहले अभी हमने उसका बच्चों परवेग निकाला, परवेग के बाद में फिर बच्चों इसका वेग निकाला, वी बराबर qvt/m, और फिर अभी बच्चों क्या निकाला, तो बेटा गतीय ऊर्जा निकाला, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है।